चलो दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू वी आर लाइव नाउ अब चलते हैं अपनी क्लास की तरफ जो क्लास मेरा लाइव आ चुके हैं हम जी थोड़ा सा लेट हो गया था सॉरी 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 बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे आप तो बहुत अच्छे हो जी थोड़ा सा उसको नीचे कर लीजिए थोड़ा सा नीचे बस बस ये ये सही है बस इसको थोड़ा सा जी ज़्यादा ऊपर हो रहा है ये पकड़िए आप ऐसा कैसे हो गया देखिए ठीक है किए हैं किससे किए हैं ये किससे कनेक्ट किए हैं नेट या वाईफाई चेक किए थे आ, उसको देखिए वो सही दिख रहा है बोर्ड अबे यार ये आपने इसको किया ही नहीं ये, 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 ये। करे, करे, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीबडी बोर्ड तिरछा है उसको सेट करो दिमाग डिस्टर्ब हो गया लाइक कर दो बेटा लाइक कर दो सभी लोग लाइक कर दो एक बार दिन हम क्लास स्टार्ट करते हैं बोर्ड आप सही करिए क्या है गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीबडी जी बच्चा लोग गुड आफ्टरनून लाइक कर दो बेटा लाइक कर दो जितने बच्चे हैं यहाँ पे लाइक कर दें और कुसुम मौर्य गेमिंग प्रो भावना भारती पूजा मौर्य हिमांशु मिश्रा जीशन अंसारी जी हिमांशु मिश्रा जीशन अंसारी गुड आफ्टरनून बच्चा लोग बस कैमरे की सेटिंग कर लेने दो हमारा जो टेक्नीशियन है ना ये टेक्निकली फॉल्ट कर रहा है थोड़ा सा इसको ऐसे करो इधर के साइड से हल्का सा हल्का सा जस्ट बस 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 बस, बस। आई होप सही होना चाहिए चलो अभी तो ठीक है देख लेते हैं एक मिनट के लिए आप रुक जाइए मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं इम्... इम्... यहाँ देखिए और यहाँ देखिए ये यह दिख रहा है क्लियर सही तो है दी बेस्ट जी बच्चा लोग गुड आफ्टरनून एवरीबडी गुड आफ्टरनून सेट हो गया हमारा कैमरा बहुत सही जी सोएब नमस्कार नमस्कार बच्चा सौरभ कुमार आई I मीन mean, प्रिया गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून शिवांगी प्रगति करो बच्चा संध्या गुप्ता हाँ बेटा इम्यूनोलॉजी गुड आफ्टरनून एवरीबडी और जितने बच्चे यहाँ पे नहीं हैं वो जुड़ जाए और हम अपने कॉलेज के बच्चों को एक अपनी तरफ से एक नोटिस देना चाहते हैं बेटा कि पहले तो सभी बच्चे हमको एक बार लाइक लगा दें लाइक लगा दो लाइक लाइक लगा के तब आगे बढ़ते हैं राधा शर्मा ए के यादव गुड आफ्टरनून बच्चा काजल पटेल गुड आफ्टरनून सत कुमार हिमांशु मिश्रा इम्प्रूव पिक्सल ऐसा है पिक्सल बहुत ज़्यादा हमने इम्प्रूव किया है थोड़ा सा आप ऐसा करो ना इस पर वो कटन लाओ एक छोटा सा कटन लाओ कटन लाओ कोई कोई नहीं आप ऐसा करो कि रिजोल्यूशन बढ़ा लो हिमांशु जी आप अपना रिजोल्यूशन बढ़ा लो टू फोर्टी या थ्री थ्री सिक्सटी पे कर लो आपको क्लियर दिखलाई देगा हिमांशु आप अपने मोबाइल को यूज करना चाहते हैं तो ज्यादा नेट ना बचाइए अगर क्लास में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो नेट बचाने की कोशिश ना करिए अपना रिजोल्यूशन बढ़ा लें नेट बचा के आप मूवी ना देखें यस मूवी के चक्कर में आप नेट बचा रहे हैं 144 पे आप लोग देखना चाहते हैं तो कैसे चलेगा देखो जीशान अंसारी को ये सेवन ट्वेंटी पे देखता है ये बच्चा खाली पढ़ाई के लिए आता है जी बहुत अच्छे ऐसे बच्चे होने चाहिए हिमांशु आपकी तरह नहीं कि आप नेट बचाने आए हो नेट बचा के क्या करोगे आप लोग खाली वहीं टिकटॉक भी तो बंद हो गया अच्छा शार्ट्स पे आ गए हो यूट्यूब के शार्ट्स पे लग रहा है लौट आए हो चलो कोई नहीं हाँ संध्या एकदम क्लियर दिखलाई देता होगा जी अब एक मिनट के लिए रुक जाते हैं हमारे कॉलेज के बच्चों के लिए हमारी एक इंफॉर्मेशन है हमारे कुछ बुक्स जो हमारे पास नहीं है और नोट्स जो नहीं है जो मेरे थे वो एक बार आप लोग अपने पास सर्च करिए मैं भी अगर मिलता है तो हमको एक बार मैसेज या इंफॉर्मेशन कैसे भी दीजिए कि सर आपकी बुक या नोट्स मेरे पास है ठीक है बेटा चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे नोट्स और बुक मिल नहीं रहे हैं हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इस समय चलो और सभी बच्चे आ जाए हमको उम्मीद है कि बहुत से बच्चे नहीं आए हैं अभी कॉलेज में विदाई नहीं हुआ है क्या उन लोगों का कि कॉलेज में टैप करने के विचार से जा ही रहे हैं डेली गेमिंग प्रो प्रीति राय गुरप्रीत हाँ बेटा अरे इक्कीस नब्बे पे गुरप्रीत कर लोगे तो आप भी हमको यहाँ मोबाइल में दिखने लगोगे ठीक है या हो सकता है हम बोर्ड सहित आपके घर पे आ जाए पढ़ाने बैठ के पढ़ा देंगे आपके घर पे तो ऐसा ना करो जी मतलब ट्वेंटी नाइनटी पे कर दिया है बच्चा हमको लग रहा है कि हम बोर्ड ले दे के इसके घर पे आ जाएंगे सीधे पढ़ाने ऐसा कर दोगे तो अब बात करते हैं बेटा इम्यूनोलॉजी की ये लाजी तो बड़ी लाजिक शब्द है इसमें बहुत सी चीजें छुपी है वो सब जान गए जानगलॉजी का मतलब क्या होता है जी नहीं गुरप्रीत आप अपने घर पे ना बुलाओ बच्चा यहीं पे पढ़ा रहे हैं तो इक्कीस नब्बे पे कर दोगे तो हम लग रहा है डायरेक्ट आ जाएंगे वहाँ अब चलिए बात करते हैं इम्यूनोलॉजी की तो है क्या चीज स्टडी ऑफ इम्यूनोलॉजी जो है यानी यहां पे हमको इम्यून की और लॉजी यही चीज देखनी है लेकिन इसमें है क्या क्या चीज पढ़ना ये जान लेते हैं यहां बेटा इसके अंतर्गत इम्यून इम्यून रिस्पॉन्स इम्यून रिस्पॉन्स इम्यून इम्यूनिटी इम्यूनिटी एंड इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम ये हमको स्टडी करनी है अब इसी की जो स्टडी है इन तीनों की कंबाइंड जो स्टडी हम कह दें स्टडी क्या कहलाएगा कॉल्ड कॉल्ड ठीक इतना तो क्लियर हो गया होगा बेटा स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम क्या नहीं दिख रहा है लाइटिंग नहीं दिख रहा है जी नहीं दिख रहा है बच्चा संध्या क्या बोल रहे हो नहीं दिख रहा है किसको नहीं दिख रहा है इसको सेट सेट करो करो इधर इधर सेट करो, एक मिनट बढ़ाओ, का पिक्सल बढ़ाओ थोड़ा सेट करो भाई अब क्या करोगे बच्चा एक मिनट फिर से कर लेने दो कितना आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है वैसे तो सारी चीजें सेट है देखिए बच्चे क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं कह रहे हैं दिख रहे हैं ठीक है अब तो दिखना चाहिए है ना दिख रहा है से अरे वारे इम्तिया कहाँ थे बेटा आप आ नहीं रहे थे लग रहा है हमारी एनर्जी घट गया था कोई नहीं बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे अब जरा हम बात करते हैं कि जो यह इम्यूनोलॉजी है इसमें हमको पढ़ना क्या है जरा इस चीज को देख लीजिएगा आई डबल एम यू एन ई e तो नहीं होता शायद नहीं होता ना क्योंकि हमको होता है क्योंकि हम तो देखो मीनिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा करते हैं बेटा ये हमारी पुरानी मर्ज है इसको हम ठीक कर पाएंगे कि नहीं इस लाइफ में तो पता नहीं जी जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे प्रीति राय तो यहां हम बात करेंगे बेटा इम्यून रिस्पॉन्स की इम्यूनिटी की बात करेंगे और इम्यून सिस्टम की बात करेंगे तीनों चीज पे ध्यान देना है हमको एक बोल रहा है इम्यूनिटी दूसरा बोल रहा है इम्यून रिस्पांस और तीसरी जगह बात हुई है इम्यून सिस्टम की अगर इन तीनों को हम कंबाइंड कर दें तो यही जो स्टडी है इसको क्या कहा जा रहा है इसको कहते हैं इम्यूनोलॉजी ये बात क्लियर हो गई देखो टॉपिक एकदम अगर नंबर से हम लोग रखे तो दी बेस्ट हमारा क्लियर हो जाता है बहुत ज्यादा इसमें करना नहीं है अब एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज के लिए है वह यह है बेटा अगर एग्जाम में अगर आपके एग्जाम में थोड़ा सा हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहेंगे कि पेपर में कोई भी क्वेश्चन पूछता है मान लो कोई क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको करना क्या है बेटा आपकी पढ़ाई कैसी होनी चाहिए अब आपको कैसे पढ़ना चाहिए राजा राम हाँ राजा राम क्या राजा राम जी ठीक है कोई नहीं अब यहां ध्यान दीजिए कि अभी अगर आपको पूछ दे एग्जाम में दस नंबर पंद्रह नंबर का क्वेश्चन या कहीं बारह नंबर का क्वेश्चन और कह दे कि इम्यूनोलॉजी के बारे में आपको बताना है इम्यूनोलॉजी तो बेटा एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे पढ़ाई को अब थोड़ा सा अलग कर दो क्योंकि अभी तक आप लोग एक हिस्ट्री की तरह पढ़ते आ रहे थे ऑफ आ? अच्छा फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी जी बेटा देखो यहाँ पे तीन जगह पे आप देखोगे कई बुक देखोगे ना तो डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएगा लेकिन एक्चुअल में ये है एडवर्ड जेनर एडवर्ड जेनर को इनका फादर बोला जाता है क्योंकि स्माल पे इन्होंने स्टडी किया था डिजीज के बारे में इन्होंने बताया था लेकिन कुछ जगहों पर आप पाओगे किसको लुइस पास को लुइस पास्चर को भी पा जाओगे और एक और है जरा उनका नाम हमारे दिमाग से उतर रहा है बता रहे उनका नाम उनका नाम है एमिल वॉन बेहरिंग एक और है एमिल वॉन बेहरिन इन्होंने 1890 में 1890 में बताया था कि ये जो इम्यून सिस्टम में पाए जाने वाले एंटीबॉडी हैं इन्होंने एंटीबॉडी के बारे में एक्चुअली बताया था एंटी बॉडी के बारे में एक्चुअली इन्होंने बताया था और यह कहे थे कि यह एक वेपन्स की तरह काम करता है एक हम लोगों का औजार है समझ लो जो हमको बचाता है किसी रोगों से लड़ने के लिए तो कई जगहों पे इसमें कंफ्यूजन होता है बेटा जी इसमें कई जगहों पे कंफ्यूजन होता है लेकिन एक्चुअल में हमने किसको बताया कि आप क्या करोगे हमने यह बोला कि इनके फादर जो है एडवर्ड जेनर को बोला जाता है क्योंकि इन्होंने किस पे रिसर्च करके बता दिया था स्मॉल पॉक्स और ऐसा बताया ऐसा बताया कि यह स्मॉल पॉक्स डिजीज धरती से ही गायब हो गया इसकी वैक्सीन इन्होंने ढूंढ लिया था ना जी संध्या दुबे तो एडवर्ड जेनर के कारण स्मॉल पॉक्स तो धरती से चला गया और इनको बोल दिया गया फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कई जगहों पे आपको मिलेगा कुछ बुक में ऐसा हम नहीं कहते बेटा कि ये नहीं मिलेगा लुइस पास को भी रखा गया क्योंकि रेबीज के बारे में इन्होंने बताया था तो इनको भी रख दिया गया था लेकिन बाद में इनकी भी जिक्र कई बुक में हमने पढ़ी है इनको भी एमिल इल वन बेहरिन जो है एटीन नाइनटी में एंटीबॉडी के बारे में बताए थे इन्होंने तो इनको भी रख दिया गया था रोहित वर्मा गुड आफ्टरनून जी गुड आफ्टरनून इन चाइना जी बेटा तो लुइस भी बोला जाता है एडवर्ड जेनर को भी, एमिल वन को भी बोला जाता है लेकिन जो एक्चुअल में हम जो बताएंगे आपको वह कौन है एडवर्ड जेनर है एडवर्ड जेनर ने किस पे सर्च किया था स्मॉल पॉक्स पे किया था जिसकी वजह से इनको क्या बोला गया बेटा फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी यह क्लियर है यह yeah, क्लियर है आई I मीन mean, देखो हम कुछ और पढ़ा रहे थे आप लोग हमको यहाँ वापस लाए हो तो ये चीजें हम पढ़ने के पहले हम वापस थोड़ा सा जाएंगे फिर से अपने टॉपिक पे ही जाएंगे बेटा क्योंकि जो हम टॉपिक पढ़ा रहे थे अभी बता रहे थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हम बताने जा रहे हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो हम कहना चाहते हैं वह यह है कि आप कोई एग्जामिनेशन हाल में चले गए बेटा आप बैठ गए वहां आ गया इम्यूनोलॉजी एक क्वेश्चन इम्यूनोलॉजी एक क्वेश्चन आ गया अब आप हुआ क्या आप डेली हमारे क्लास में कंटिन्यू पढ़ते थे ठीक है अच्छी बात है दूसरा काम क्या करते थे आप बुक उठाते थे नोट्स उठाते थे यहां से शुरू करते थे एकदम रुकते नहीं थे कंटिन्यू यहां तक पढ़ लेते थे लास्ट शुरू करते थे और लास्ट करके एंड कर देते थे होता क्या है एग्जाम में कभी इम्यूनोलॉजी हो गया पांच नंबर में कभी दस नंबर में सॉरी कभी आठ नंबर में कभी दस नंबर में कभी बारह नंबर में कभी पंद्रह नंबर में ऐसा होता है क्योंकि हम पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी की बात करेंगे नहीं एक कॉलेज की बात नहीं करेंगे कि वहां पे बस मान लो हमारे यहाँ विद्यापीठ में पंद्रह नंबर का पूछता है तो हम तो ये कहेंगे नहीं कि बस यहाँ पे पंद्रह का है तो पंद्रह ही पूछेगा नहीं बेटा हो सकता है पूर्वांचल में बारह का पूछता हो हो सकता है मिर्जापुर में दस नंबर का पूछता हो सकता है अयोध्या में आठ नंबर का पूछता हो हो सकता है चंदौली साइड में ये पांच नंबर तो कई जगहों पे अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज बने हैं वो अलग अलग मार्क्स पे दे देते हैं जी तो कहीं ना कहीं बच्चे अगर हमसे पढ़े हैं तो उनको ये लगेगा कि सर जी जी हम बता रहे हैं बेटा कुछ चीजों को ध्यान देना जो हमसे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको लगेगा सर तो ऐसे पढ़ाए हम कैसे करें इस क्वेश्चन को तो बेटा कोई भी चाहे हम पढ़ाए या कोई भी पढ़ाए आप खुद से पढ़ लो या नहीं हमसे पढ़ रहा हो नहीं इनसे पढ़ पढ़ा तो ऑब्जेक्टिव आप आपको इंट्रेंस देना है बहुत सारे तो आप क्या करोगे तो आपको पहले यह जानना जरूरी है कि इम्यूनोलॉजी है क्या पर्टिकुलर इम्यूनोलॉजी के बारे में जानो इम्यूनोलॉजी क्या है क्योंकि होता क्या है जब हम एग्जाम में ये क्वेश्चन पा जाते हैं तो हमारे पास सारी इसके जो अंदर के हेडिंग होते हैं हैं सब भूल जाते हैं। बस इसके बारे में दस वर्ड हमको याद रहते या पच्चीस या, या, या पचास तक वर्ड लेके जाएंगे लेकिन उस वर्ड के अंदर एक चीज याद रखना हमारे न जाने जो हेडिंग भी होते हैं वो भी इसी में घुस जाते हैं हमको पता भी नहीं चलता और बाद में ये लिखने के बाद जब हम सोचते हैं कि अब हेडिंग कौन सा डालें तो हेडिंग याद ही नहीं आता उसी समय क्या होता है हमारे आते हुए क्वेश्चन से पूरे मार्क्स कट जाते हैं हैं हेलो सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। काजल जी जी थैंक यू बेटा अब होता क्या है इस दौरान हमारे मार्क्स कट क्यों जाते हैं बेटा क्योंकि हमने इम्यूनोलॉजी तो जान लिया इम्यूनोलॉजी के बारे में सटीक टू द पॉइंट हम मान लेते हैं हम हंड्रेड वर्ड्स लिख भी लिए लेकिन इस हंड्रेड वर्ड्स में हमसे यह गलती हो गया कि जो हम चार हेडिंग पढ़ा करते थे वन टू थ्री फोर इसको भी कहीं ना कहीं इस हंड्रेड वर्ड बनाने में भूल के हमने इसमें ऐड करके सेंटेंस में जोड़ के लिख दिया अब जब हम लिख के आगे बढ़े यह हमारी पेज हो गई कंप्लीट तो आगे अब हमारे पास सोचने को हम मजबूर हो गए कि अब हेडिंग कौन सी बनाए अब तो हम परेशान की हेडिंग आएगी कहां से चलो एक हेडिंग याद भी आ गई तो इसको हम दो लाइन तीन लाइन लिखे तो हमको एक बात याद आया कि यार ये चीजें तो हम इसमें पहले ही लिख चुके हैं कहीं हम एग्जामिनर को बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हैं ये आपके माइंड में चलने लगेगा उस टाइम तब क्या होता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और इस समय इस समय जो मार्क्स होते हैं कहीं ना कहीं एग्जामिनर के हाथ में आ जाते हैं वह समझ जाता है कि इस बच्चे को अब एक हेडिंग के अलावा कुछ भी नहीं मालूम और ये हेडिंग जो है ना ये इसी में से कहीं ना कहीं से निकाल के यहां रख दिया है अब बच्चे हो जाते हैं इस जगह पे फेल क्योंकि ये बच्चे तो एक्चुअली हैं टॉपर ये जो बच्चे हैं ये एक्चुअली हैं टॉपर लेकिन ये कहीं ना कहीं फेलोर क्यों होते हैं अपनी थोड़ी सी जो स्किल होती है जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है उसको न यूज करने के वजह से ये फेल हो जाते हैं मतलब फेल का मतलब पास होते हुए भी मार्क जो होता है वह लो रहता है मेरिट में यह कितना सत्तर अस्सी नब्बे ये परसेंटेज के आसपास नहीं पहुंच पाते अब आपके माइंड में एक बात हम बता दे बेटा जो बच्चा सोचता होगा वह हमेशा सोचता होगा आ जाए कुछ बच्चे जी हम एग्जाम की स्ट्रेटजी आज तैयार कर रहे हैं पढ़ाएंगे चैप्टर भी पढ़ाएंगे लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बता रहे हैं बेटा अभी आपको हम सच बता दे बहुत से बच्चे जो होते हैं वो सिक्सटी परसेंट रिजल्ट सोच के पढ़ाई करते हैं इससे ज्यादा सोचेंगे सेवेंटी सोचेंगे अगर एटी आ गया या एटीन नाइनटी के बीच में आ गया तो वो अपने घर पे क्या अगल बगल पूरा डिंडोरा पीट के मिठाई बांट के सब हल्ला मचा के ऐसा रख देंगे जैसे मानो की तोप उड़ा दिए बताओ ऐसा होता है ना कॉलेज में जो इतना पा जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं लगता है कॉलेज की दीवार तोड़ के रख देंगे अब तो अरे बेटा अगर वो दीवार तोड़ रहे हैं अस्सी से नब्बे के बीच में पाने के बाद तो आप यह या हमेशा याद रखना आप सबसे एक रिक्वेस्ट है बेटा कि कोई साठ के लिए लड़ता होगा कोई सत्तर के लिए लड़ेगा कोई अस्सी के लिए लड़ेगा कोई नब्बे के लिए लड़ेगा लेकिन एक बात बता दें एक ऐसी भी सीट होती है जो होती है हंड्रेड वाली यह हमेशा खाली रहती है आप हमेशा उठा के रिजल्ट देख लेना यह सीट हमेशा खाली रहता है कोई भी अगर रिजल्ट में पाया होगा तो नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट होता है यहां तक कि इंसान का जो डीएनए होता है आपको बता दे बेटा इंसान का डीएनए भी हंड्रेड परसेंट नहीं पाया आज तक इंसान का एक इंसान का डीएनए एक इंसान का डीएनए दूसरे इंसान के डीएनए से इक्वल होता है नाइंटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट इक्वल होता है ओनली पॉइंट जीरो पॉइंट वन परसेंट यह क्या होता है डिसिमिलर होता है अगर सही बोल रहे हैं तो यस समझ लो बेटा बहुत बड़ी बात यहां पे बताए हैं जी तो आप इतना जान लो बेटा पॉइंट अगर पॉइंट वन यहां पे हम ऐड कर दें तो नाइन यह हो गया वन यह हो गया जीरो एक फिर नाइन यह हो गया हंड्रेड आई I मीन mean हम सही हैं बेटा तो पॉइंट जीरो वन परसेंट होता है जो इंसान का डीएनए होता है दूसरे के डीएनए से नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट सेम होता है यह चीज मात्र पॉइंट वन परसेंट अलग होता है एक पॉइंट की बात और बताएंगे बेटा अब कहोगे सर तब यह हंड्रेड परसेंट हम कहां से लाए हम आपको लाके दिखाएंगे बेटा बस आपके साथ जो रहेगा वो आपका एटीट्यूड होना चाहिए इसको मत बदलो एटीट्यूड जो होती है ना स्पेलिंग हमारी हो सकती है मिस्टेक लेकिन आप वहां एटीट्यूड लिख देना और ए लिखना ए टू जेड लिखना ए बराबर होता है एक और जेड बराबर होता है ट्वेंटी सिक्स जोड़ लेना ए डबल टी यू डी ई एटीट्यूड आपका जो होता है बस वही होता है हंड्रेड परसेंट और आप कहीं ना कहीं अगर अपने अपने दृढ़ इच्छा से जो कोई बदल ना सके कोई चेंज ना कर सके उससे पढ़ लो बेटा सबसे ज्यादा नंबर आई मीन हंड्रेड वाला सीट हमेशा खाली होता है वो आप पाओगे हो सकता है कोई नाइन्टी नब्बे इक्यानबे आई I मीन mean 92, टू नाइन्टी थ्री नाइन तक आपने सुना होगा रिजल्ट आया होगा लेकिन हंड्रेड पे पॉसिबल नहीं होता एक सीट खाली जाता है बेटा तो कोशिश इसके लिए करना चलो ठीक है एटीट्यूड लिख के ए टू जेड लिख के आप मिला लेना देन हमसे बात करना चलो तो अब हम आपको मेन चीज पे लाते हैं बेटा अब हमने कहा कि आपको करना क्या है बेटा आपको करना यह था कि आप अब करोगे यह हमारे लिए कि मिनिमम इम्यूनोलॉजी की जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वो आपकी आदिल खान आदिल एक बार आप अपने कॉलेज में प्लीज कांटेक्ट कर लो आशुतोष जी आशुतोष एच एस सी ह्यूमरल ह्यूमरल इम्यून सिस्टम के बारे में आप पूछ रहे हैं एच एल एम एम एच सी इससे रिलेटेड है क्या जी अभी देखो दिमाग में सारी चीजें नहीं होती आ जाइए टॉपिक पे जी एच एस सी एच एस सी मतलब कहीं हमने दिया है क्या हमने ऐड किया है क्या क्योंकि सबके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सिमिलर नहीं हो सकते यहां यहाँ पे जो कैरेक्टर होता है सैटेलाइट वाला वह वा अलग होता है बेटा और पहली बात एक आपको पहले हम बता दें बेटा कोई भी टीचर हो या हम ही हो भले सारी चीज लेके हो लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड काम कर सकता है लेकिन आप इतना तो याद रख लो कि आप हमारे सामने न जाने कितने बच्चे हो हम यहाँ अकेले होंगे सबके माइंड में बहुत से क्वेश्चन उठेंगे हम जितने बच्चों को सामने लेके चलते हैं उनको रिस्पांस दे सकते हैं लेकिन हर किसी को देना पॉसिबल नहीं होता बट इन केस कोशिश सबके लिए रहेगी कि जो क्वेश्चन आप लोग पूछेंगे आंसर अभी आया तो ठीक है नहीं नेक्स्ट टाइम जरूर रिप्लाई किया जाएगा आप अपने कॉलेज में एक बार कॉन्टेक्ट कर लो जो भी आया होगा इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगा अब ध्यान देते हैं हम अपने टॉपिक पे बेटा जो इम्यूनोलॉजी की बात की जाती है बेटा इम्यूनोलॉजी के बारे में पर्टिकुलर अगर आपको पढ़ना है तो आप कैसे करोगे मिनिमम फिफ्टी टू हंड्रेड वर्ड के डेफिनेशन या कुछ और भी चीज़ों को कुछ और नॉलेज को या नहीं इतना कर पा रहे 20 ट्वेंटी वर्ड्स कर लो ट्वेंटी फाइव वर्ड्स ये स्पेशली इम्यूनोलॉजी के बारे में होना चाहिए देन इसके बाद अगर हम बात करें तो आप कहानी की तरह ना चल के अब इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करोगे जैसे यहाँ अब हमको एक चीज रख दे इम्यून इम्यूनिटी रख देते हैं इम्यूनिटी रख देते हैं दूसरे पर अब इम्यूनिटी रखेंगे तो इसके इम्यूनिटी के टाइप आ जाएंगे देखो बेटा हम लिखने का तरीका आपको बता रहे हैं फिर हम आएंगे टॉपिक पे बस यहाँ पे ये चीजें ध्यान दो अब मान लो हमने यहाँ पे रख दिया इम्यूनिटी इम्यूनिटी के बाद अब हम क्या करेंगे इम्यूनिटी के बारे में अब हम ट्वेंटी फाइव वर्ड्स बताएंगे चलो फिर आ गए टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी होगा अगर तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी यहाँ भी दो एक अगर होंगे मान लो दो हैं तो एक यहाँ हो गया एक यहाँ हो गया दो हो गए तो मिनिमम ट्वेंटी वर्ड्स इसका होगा ट्वेंटी वर्ड्स इसका होगा ठीक है बेटा देखो मे बी ज्यादातर क्वेश्चन मैक्सिमम जाएगा थ्री हंड्रेड वर्ड्स ही जाएगा या फाइव हंड्रेड अब नहीं जाता पहले जाता था शायद बता नहीं सकते लेकिन अब अब तो नहीं जाता जी देते हैं टेलीग्राम पे दे देते हैं अब ध्यान दीजिए यहां पे हम क्या बोले कि इम्यूनोलॉजी का आपको फिफ्टी हंड्रेड या फिर ट्वेंटी फाइव या ट्वेंटी वर्ड्स याद होना चाहिए इम्यूनिटी आएंगे ट्वेंटी फाइव वर्ड्स इम्यूनिटी के बारे में टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा बहुत लिख के आ जाएंगे इसके दो टाइप होंगे अगर तो ट्वेंटी अब ध्यान दो ये हमारी मान लेते हैं टॉपिक हो गई खत्म एक आठो डायग्राम होगा मान लो बायोलॉजी को हो तो डायग्राम भी ऐड करोगे I mean, आई मीन स्ट्रक्चर ऐड करोगे ना देन आती है ये पहली हेडिंग हो गई बेटा दूसरी हेडिंग पे आते हैं इम्यून रिस्पांस हर चीज की जो भी टॉपिक पढ़ो हम नहीं कहते बेटा कि खाली इम्यूनोलॉजी के लिए ऐसा करो आप हर सब्जेक्ट में हर टॉपिक पे ये रूल लागू करो आपका हर टॉपिक क्लियर हो जाएगा ये बता दे रहे हैं आप टू द पॉइंट और मार्क गेन करने का यह तरीका होता है टॉप करने का फिर है इम्यून रिस्पॉन्स दूसरे पॉइंट पे आया इम्यून रिस्पॉन्स इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में आ गए मिनिमम मिनिमम देखो बेटा ट्वेंटी वर्ड्स तो इंग्लिश में आप लिख लोगे हम मिनिमम की बात कर रहे हैं मैक्सिमम नहीं बस मिनिमम की बात किए हैं बेटा अभी हम आपको दिखा देंगे कि इसका फायदा क्या है आपको लग रहा होगा सर ये क्या कर रहे हैं फिर इम्यून में जो रिस्पांस होती है वो दो तीन प्रकार के या चार प्रकार के होंगे मान लो हम दो ही प्रकार टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पांस में आएंगे यहाँ दो ही प्रकार हम देते हैं तो मिनिमम ट्वेंटी वर्ड्स इसके होंगे आपके पास ट्वेंटी इसके ऐसे कर करके टॉपिक पढ़ो हर चीज में यही टॉपिक पढ़ना है बेटा चाहे कोई सब्जेक्ट पढ़ो इस ढंग से अब पढ़ना याद रखो मार्क बहुत अच्छा आएगा हाँ ऑब्जेक्टिव आप पढ़ रहे हो बेटा तो भी इन ढंग से तोड़ दो और इनके बारे में छोटा सा नॉलेज निकालो कि क्या इससे क्वेश्चन बन रहा है जैसे इस टॉपिक को आप पढ़ो तो इसके जाके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो और देखो कि इससे कभी फंसा है क्वेश्चन कोई आया है इससे कुछ आता है या नहीं इससे कुछ आता है कि नहीं हर टॉपिक को अलग अलग करके उसके क्वेश्चन देखो अब आप चाहोगे कि पूरा इम्यूनोलॉजी हम शुरू से अंत तक पढ़ लें इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव हम देखें फर्स्ट जाओगे आप सिर्फ इम्यूनोलॉजी पढ़ो थोड़ा सा उसके बाद इसके अंदर टाइप्स अगर पढ़ो तो देखोगे कि टाइप्स से कितने ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं फिर इम्यूनिटी से देखो कितने ऑब्जेक्टिव बनते हैं इम्यून रिस्पॉन्स से कितने ऑब्जेक्टिव बनते हैं तो आप कभी भी कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम आई मीन एंट्रेंस में तो परेशान हो ही नहीं पाओगे बायोलॉजी के या किसी भी टॉपिक से पढ़ो बेटा अब देखो कमेंट हम नहीं देख पा रहे थर्ड पेपर ऑब्जेक्टिव है जी संध्या कोई नहीं आप उसको ले सकते हो सर पैटर्न क्या होगा एग्जाम का बच्चा आप कौन से कॉलेज से हो ये आल यूपी के लिए देखो हम पढ़ा रहे हैं हम एक मिनट आप सबको एक बात क्लियर कर दें हम जो इम्यूनोलॉजी पढ़ा रहे हैं ये पूरे इंडिया में क्या पूरे विदेश में पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी इम्यूनोलॉजी चलता होगा जिसको हमारा टॉपिक समझ में आए अगर ऑब्जेक्टिव में समझ में आए तो ऑब्जेक्टिव भी मिल रहा है अगर थ्योरेटिकल समझ में आए तो पूरा हम लिखने का पढ़ने का तरीका बता रहे हैं बस इम्यूनोलॉजी हम पढ़ा रहे हैं ये जान लीजिए वो किसी भी कॉलेज के लिए हो सकता है किसी भी लेवल पे हो सकता है हो सकता है वह बच्चा हाई स्कूल इंटर में भी चाहे तो पढ़ सकता है जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अगर आपके यहाँ भी इम्यूनोलॉजी है तो आप इसको ऐड कर सकते हो आपके मैटर से मिलना चाहिए आपके सिलेबस से भाई इम्यूनोलॉजी वहां से टल नहीं जाएगा उसके फादर टल नहीं जाएंगे उसके डेफिनेशन नहीं टल जाएंगे उसके टाइप्स नहीं टल जाएंगे रिस्पॉन्स नहीं टलेगा तो आपको अगर मैच करेगा तो आप देख लीजिएगा जी अब ध्यान दो यहां पे क्या है कि तीसरी अब हेडिंग एक और बनाएंगे बेटा मार्क हम हंड्रेड परसेंट गेन करने का खाली तरीका बता रहे हैं तीसरी मार्क हमको गेन करनी है तो इम्यून सिस्टम अब हेडिंग आ गई मान लो इम्यून सिस्टम अब आप कोई और भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उस पर आप लोग ऐड करो इम्यून सिस्टम देखेंगे हो सकता है ये भी दो ही प्रकार मानते हम हम तीन चार प्रकार नहीं लेके चले हम सबका दो ही दो लेके आए बेटा अब इम्यून सिस्टम के बारे में हमको मिनिमम ट्वेंटी वर्ड्स कहीं से पढ़ लेना ये हमने क्या बोला हर का ट्वेंटी वर्ड्स याद रखना अब इसके बारे में ट्वेंटी वर्ड्स इसके बारे में ट्वेंटी वर्ड्स तो ये तो हो गए हमारे इतने टॉपिक और भी कुछ डायग्राम यहां भी होंगे हो सकता है स्ट्रक्चर होंगे अब इन सबको हम देख लेते हैं एक बार पच्चीस पच्चीस पचास बीस बीस चालीस बीस साठ साठ बीस अस्सी सौ हंड्रेड वर्ड्स फिर साठ यहां पे पचास पचास मान लेते हैं फिफ्टी वर्ड्स वहां हमको मिले थे वर्ड्स पे मिले थे और हंड्रेड वर्ड्स यहाँ पे हमको मिल गए हैं जीरो दो सौ दस वर्ड्स मिनिमम आपकी एक जो रेंज है वो होनी चाहिए बेटा मिनिमम रेंज में इस टॉपिक से ऐसे करके आप दो दस वर्ड किसी भी टॉपिक का आपको मालूम हो जाए तो आप बहुत ज्यादा लिख सकते हो ये आपको हम बता दे बेटा अगर आप मिनिमम इतने वर्ड्स क्लियर कर लेते हो जी लाइट चली गई है लाइट चली गई है बेटा बस डेली की तरह सेम सेम टाइम पे ये प्रॉब्लम आता है हमारे साथ कोई नहीं आदत सी लग गई है अब आप लोगों को भी लग गई होगी हमको तो है ही जी दिख रहा है दिख रहा है तो ये रही फंडा ओनली पेपर प्रिपरेशन की बेटा अगर आई नो सर आपके लैंग्वेज इजी जी कोई नहीं बच्चा देखो आप बस क्लास से मतलब रखो अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो आप लोग ध्यान दीजिए पढ़ाई पे अब यहां पे हमने क्या बताया ये हमने इस ढंग से इस वे से बताया कि आप इन चीजों को अगर हर टॉपिक पे अप्लाई कर दो आप अगर इम्यूनोलॉजी हमने बोला बेटा आप किसी अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो जहां पे ऐसी टॉपिक हो जो हमने पढ़ाया ही ना हो उस टॉपिक पे ये फंडा अप्लाई करो कि सर ने बोला है कि मिनिमम जो हेडिंग पूछ रहा है उसका 25 से 50 वर्ड्स हमको क्लियर होना चाहिए देन वन 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 पार्ट वाइज हर चीज़ों को ये याद रखो कि उसमें कम से कम 10 12 पार्ट या पांच पार्ट तो आप कर ही दो छोटे छोटे सिगमेंट में उस चीज़ को पढ़ो और ऐसे सिगमेंट करने से मार्क जो होता है वो आपको अच्छा मार्क गेन होता है वर्ड पावर आपकी बनी रहती है जब एग्जाम में आप कुछ वर्ड कुछ पेज के बाद पेन नहीं चलता वो प्रॉब्लम सॉल्व प्लस आप लिखोगे जब दस बारह ऐसे फोकस दिए रहोगे मतलब चार ही सही जैसे हमने यहाँ पे क्या बोला एक इम्यूनोलॉजी बोला दूसरा इम्यूनिटी बोला इसके टाइप बोले टाइप में दो टाइप बोले फिर इम्यून रिस्पांस बोले इम्यून रिस्पांस में दो टाइप बोले फिर इम्यून सिस्टम बोले इसमें दो टाइप बोलें तो कहीं ना कहीं आपको ये जो तीन यहां पे तीन यहां पे तीन यहां पे ये तीन त्रिक नौ एक दस दस हेडिंग एग्जामिनर को सामने दिख गया कि नहीं वो ये तो जान गया कि ये बच्चा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है अब इतने मात्र से बेटा आप लोगों का पेपर बता दें अगर कहीं से भी पढ़ लेते हो थोड़ा सा तो बहुत ज्यादा गेन कर सकते हो ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प दे सकता है मार्क गेन करने में इम्यूनोग्लोबिन ये सब आप बेटा आप साल्ट फार्म काहे पूछ रहे हो हम सारी चीजों को कहां से रट के आएंगे एक बात बताओ अब एक बात बताओ बेटा जीएम क्या होता है जीएनएम क्या होता है बोलो बेटा जीएनएम क्या होता है आयुष जीएनएम क्या होता है बेटा सुनो आईजी का मतलब हम बोल दिए इम्यूनोग्लोबिन वैसे ही जीएनएम का मतलब आपको बताया गोपालनाथ मिश्रा होता है हो सकता है बैलाजी में बहुत सी चीजें बार-बार ऐसे आ, फार्म को पूछोगे तो सारी चीजों को हम ऐसे यहाँ पे भर के नहीं ना चल रहे हैं जी वैसे भी पीजी किए हमको हो गया दो के बाद से हम कंटिन्यू इधर है हमारी माइंड वैसे भी खाली हो चुकी है निधि चतुर्वेदी जी कोई नहीं आप अगर इंट्रेंस मेरा ले रहा है तो साइड में ले लेना बेटा लेकिन अभी फिलहाल में टॉपिक पे आ जाओ तो ये रहा आपका फंडा चलने का मतलब पढ़ने का बेटा अब ध्यान देते हैं हमको पढ़ना क्या है एक्चुअली अगर हम बात करें यहाँ जो इम्यूनोलॉजी है ये आज हमारी क्लास क्या थी बेसिक थी इम्यूनोलॉजी की पर्टिकुलर हमने इम्यूनोलॉजी की बेसिक चीजों को बताने के लिए आज यह क्लास रखा था अब इस पर अगर हम फोकस करें जी यहाँ दिख नहीं रहा होगा बेटा बस डस्टर को थोड़ा सा डस्टलेस कर दें जी तब साफ करेंगे तो शायद क्लियर दिखेगा और यहाँ से हम फोकस को अभी हटा दे रहे हैं अब हमको देखना क्या है जो यहाँ पे है ना क्लियर बीएससी के बाद में जी साइड में सारी चीज़ें बात कर लेंगे नहीं आज पढ़ा भी रहे थे पैटर्न भी समझा रहे थे अगर आपको पैटर्न समझना है तो ठीक है नहीं आप आराम से जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और इसके बाद बात हम करेंगे इम्यूनोलॉजी की अब देखते हैं इम्यूनोलॉजी इम्यूनो इम्यूनोलॉजी अगर हम बात इम्यूनोलॉजी की कर लें तो यहाँ पे क्या है जी जिस भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो कोई शिकायत हो वो बेझिझक चैनल से आराम से जा सकता है बेटा प्रेशर में क्लास नहीं लेते जी प्रेशर में क्लास नहीं लेते अगर आप यहाँ अच्छे से पढ़ सकते हो समझ में आए तो पढ़ो नहीं तो ऑलरेडी ढाई लाख तीन लाख व्यूवर आते हैं बेटा वो सब जाके हमारे उस पर टैब पे देख लेना जरूरत नहीं है हम एक को रोक के रखें क्लास में पढ़ना है बस पढ़ते रहिए क्योंकि ये तो हमारी वो है हमको बच्चों को किस ढंग से समझाना है क्या पढ़ाना है वो हम अपने ढंग से बच्चों को ले चलेंगे जिसको हम इतने दिन से पढ़ाते आए हैं हम उसको एक बार एग्जाम का पैटर्न नहीं समझाएंगे कि उसको किस ढंग से लिखना है तो सब कुछ पढ़ाना हमारा बेकार हो जाएगा इससे हमको यह करना पड़ेगा वो हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं कि उनको लिखने का वे मालूम हो जाए जब हम सामने होते तो ये हम जरूर करते लेकिन सामने न होने की वजह से हमको यहाँ पे करना पड़ेगा तो हमने किया अब देखो बेटा इम्यून रिस्पांस क्या है यहां अगर हम बात करें इम्यून रिस्पांस। पहले हमने क्या पूछा था इम्यूनोलॉजी क्या है तो आप यही जवाब था स्टडी ऑफ इम्यून रिस्पांस, इम्यूनिटी एंड इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी यही चीज थी इसके बाद क्या बात आता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी जी गुरप्रीत नहीं नहीं हमारा ये फंडा है कि जो बच्चे पढ़ते हैं बस पढ़ें क्योंकि उनको पढ़ाई से मतलब होना चाहिए ना मार्क अच्छा गेन करने से मतलब होना चाहिए टॉपिक से मतलब होना चाहिए हमको सजेशन देने से क्या मतलब है चलो इम्यून रिस्पॉन्स की हमने बात की यहां पे अगर हम बात हैं इम्यून रिस्पॉन्स की तो एक बात बताएं बेटा अगर आप लोग हमारे चैनल पे आए हो हम आपको पढ़ा रहे हैं या आप लोगों से हम कोई क्वेश्चन पूछे तो आपका रिस्पांस क्या रहेगा आप हमसे यहाँ सडन पूछ दो तो हमारा रिस्पांस कैसा था जैसे कुछ क्वेश्चन आए तो मुस्कुरा के हम बताएंगे कुछ नहीं आए तो हम मुंह बना लेंगे या गुस्सा कर देंगे तो ये मेरी क्या थी आपके प्रति एक रिस्पॉन्स थी बेटा देखो जब क्या होता है आप वहां से क्वेश्चन पूछ रहे हो बहुत से बच्चे आते हैं पढ़ते हैं जाते हैं कुछ बच्चे कंटिन्यूटी रहते हैं तो हमको माइंड में रहता है ना कि इनको हम ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं ये बच्चे ठीक है यहां से पूछ रहे हैं कोई आता है सडन कुछ भी पूछा है तो हम क्या करेंगे अगर हमको आ रहा रहा है है तो मुस्कुरा के रिस्पांस देंगे ये चला, ये टॉपिक 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 चल पे पे हम पढ़ा रहे हैं बेटा ध्यान दीजिएगा अभी दूसरी तरफ कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है हमको मान लो आंसर नहीं आया एक बार कोशिश करेंगे दो बार कोशिश करेंगे वह फिर पूछा फिर पूछा हम कहें पता नहीं क्या पूछा जा रहा है दिमाग खराब किया रहा है तो मतलब हम क्या करते हैं अपनी रिस्पांस आपके प्रति दर्शा देते हैं अब ये रिस्पॉन्स के प्रति आपका क्या रिस्पॉन्स होता है अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी कि नहीं सर ने कहीं ना कहीं सही समझाया तो आप हमारे पास रुके रहोगे अगर यही चीज आपको हमारी बुरी लग गई तो आप क्या करोगे चले जाओगे अब देखो सेम चीजें यहां क्या होती है बेटा यह कोई भी ह्यूमन बींग है ह्यूमन बींग के अंदर क्या होता है यहां पे कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाता है यह हो गया फॉरेन पार्टिकल यह फॉरेन पार्टिकल है देखो अभी कोई आवाज नहीं उठाएगा कि सर ये एंटीजेन है क्योंकि अभी सब बहुत इंटेलिजेंट बन जाते हैं बच्चे तुरंत है कि फॉरेन पार्टिकल को एंटीजे बोलते हैं हाँ हाँ बच्चे तो बड़े नॉलेजेबल है ये तो हमको मालूम है जी 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 तो होता क्या है एंटीजन बाहर से जो भी कण शरीर के अंदर जाता है बेटा उसको एंटीजन बोला जाता है और एंटीजन क्या करता है ये रिस्पांसिबल होता है हमारे बॉडी में एंटीबॉडी के फॉर्मेशन के लिए जो एंटीजन होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी बॉडी में एंटीबॉडी के फॉर्मेशन के लिए हाँ बेटा जो आपने क्वेश्चन किया ये आज का क्लास सिर्फ और सिर्फ बेसिक फंडा पे था यह टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जब भी कोई तो पहले दिन हम इसके बेसिक चीजों को बताते हैं और बच्चों से कुछ बातें करते हैं बस इसके बाद दूसरे दिन हमारा क्लास रहता है जी पैथोजेन भी बोलते हैं जी पैथोजेन आप हमारा पिछला क्लास ले लो पैथोजेन का मतलब वही होता है कि जो आपके बॉडी में कोई डिजीज काज कर दे का पैथोजेन पैथो यही होता है क्योंकि हमने वहां पे पढ़ाया था बेटा आप लोगों को मालूम होगा बहुत से बच्चों को मालूम होगा पैथोजेन और कमेंसल बताए थे हम जी अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हो सकता है या बैक्टीरिया हो हो सकता है या वायरस हो, हो सकता है डस्ट पार्टिकल हो या हो सकता है कोई और भी पहली बात इन सबको मिला जुला के हमने यही बोला बेटा कि आपको एंटीजन से मतलब ना हो कि आपको किससे मतलब होना चाहिए फॉरेन पार्टिकल वह पार्टिकल जो बाहर से आपके शरीर में क्या कर जाए एंट्री कर जाए वह कहलाता है एंटीजन लेकिन हमको यहां ना इसको पढ़ना है ना इसको पढ़ना है क्योंकि हमारी जो टॉपिक है वह इम्यून रिस्पॉन्स है बस हम इतना ध्यान देंगे फिलहाल में कि जब कोई भी पार्टिकल हमारे बॉडी में आता है तो हमारी रिस्पॉन्स क्या होती है हमारी रिस्पॉन्स क्या होती है लाइक like, आप लोग थोड़ा सा और नजदीक से वीडियो देखो क्लियर नहीं दिख रहा होगा जी अभी रिस्पांस कैसा रहा रिस्पांस कैसा रहा यही चीज अगर आप क्या कर रहे हो कि ऐसे बैठे हुए हो सडन क्या हो कोई पत्थर आपके साइड फेंक दे या बाल फेंक दे तो आपके हाथ तुरंत उसके साइड आ जाते हैं उसको रोकने के लिए अपने बॉडी को बचाने के लिए सेम एज क्या होता है हमारे बॉडी में भी बहुत से सेल होते हैं बहुत से सेल होते हैं जिसको क्या बोला जाता है इम्यून सेल होते हैं ये इम्यूनिटी वाले सेल होते हैं जो हमारे बॉडी में क्या करते हैं एक रिस्पांस दिखाते हैं कोई भी फॉरेन पार्टिकल आए तो उससे लड़ने के लिए उनको रोकने के लिए और उनको शरीर से बाहर करने के लिए इसमें ये सक्षम होते हैं तो ये जो रिस्पांस है हमारे बॉडी का यह जो हमारे बॉडी का रिस्पांस है अब वह रिस्पांस बॉडी के अंदर जो मौजूद सेल है उसकी इम्यून दिखाती है जैसे अगर कोई बैक्टीरियल डिजीज है वह आपके अंदर एंट्री कर गया तो आपका जो रिस्पांस है इम्यून सिस्टम वाला वह वा कैसा होगा जैसे हम इतने दिन से परेशान थे तो वह जो वायरस या बैक्टीरिया हमको परेशान किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हमको बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है लिम्फोसाइट्स होते हैं डब्ल्यू के पार्टिकल्स होते हैं जी बेसोफ़िल, न्यूट्रोफिल्स ग्रेनुलर ग्रेनुलर, चलिए अब हम बात करेंगे बेटा कि जितने भी हमारे वो पार्टिकल जो इम्यून के लिए हेल्प करते हो और रिस्पांस दिखाते हो कोई रिस्पांस उनका कैसा भी हो सकता है अब यह रिस्पांस ऐसा हो सकता है कि इन फॉरेन पार्टिकल को इन फॉर पार्टिकल को आई मीन बैक्टीरिया वायरसेस या किसी को भी यहां से हटाने का हो सकता है जी स्वेता सारा जवाब देते रहो अब तो आप बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं वहां पे आंसर देना बेटा हम थोड़ा टॉपिक पढ़ा रहे हैं अब हाँ क्या था कि अभी हम जी हाँ जिसको जो क्वेश्चन है उधर पूछता रहे श्वेता दो आंसर बेटा चलो अब हम यहां बात करते हैं अब हम टॉपिक पे आ क्या कोई नहीं <laughs> तो यहां क्या है इस पर्सन ने कोई रिस्पांस नहीं दिखाया आई I मीन mean, हम जो है हम ऐसे ही रह जाते हैं लेकिन क्या होता है फॉरन पार्टिकल आता है बॉडी की जो इम्यून है वह उससे लड़ पाती है उसके सेस लड़ पाते हैं तो ठीक है नहीं लड़ पाते तो नाक से क्या होता है कि सलाइवा निकलने लगते हैं ना वो सलाइवा निकलते हैं आई मीन ये समझ में आ गया कि वहां बैक्टीरिया एंट्री मारा था तो जो सलाइवा में लाइव था वह वा उसके वाल को तोड़ नहीं पाया उसको हटा नहीं पाया और बाद में यह प्रॉब्लम क्रिएट हो गई स्नीजिंग चालू हो गया और रेनी नोज चालू हो गया तो इन सारे प्रॉब्लम की वजह से ऐसा ना आप साइड में क्वेश्चन आंसर खेल लेते हैं अस्तुष अब बाद में आ जाना चैनल पे एक लाइव सेशन रख लेते हैं उसमें क्वेश्चन आंसर खेला जाएगा अब क्या होता है कि ये रिस्पॉन्स तो हमारे बॉडी ने जैसा भी हमारे इम्यून के आर्गन और सेल हैं वो दिखा लेते हैं तो वो हम बोलते हैं क्या इम्यून रिस्पॉन्स दूसरी तरफ क्या होती है दूसरी तरफ ये है कि हमारी जो इम्यूनिटी है इम्यूनिटी इम्यूनिटी क्या है भाई अब हम जो है रोगों से लड़ने की क्षमता रखे हुए हैं या नहीं रखे हैं जी जी सन, हम रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर है या नहीं है अगर है तो वह पैदाइशी है या बाहर से हम ले रहे हैं उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी मतलब हमारी एक प्रतिरोधक क्षमता कैसी है कैसे हम बचाव कर सकते हैं किसी बीमारी से यह हमारे अंदर हमारे सेल्स के अंदर जो लड़ने की क्षमताएं होती हैं उसको बोला जाता है इम्यूनिटी और इस इम्यूनिटी को इस इम्यूनिटी को दो भागों में बांट दिया गया भाई दो भागों में यह क्या था एक था इेट एक था इन इम्यूनिटी और दूसरा क्या था एक्वायर्ड इम्यूनिटी दूसरा क्या था एक्वायर्ड इम्यूनिटी जी आयुष आपने हमारा आंसर नहीं दिया हमने पूछा था जीएनएम का मतलब क्या होता है इम्यूनिटी ज्यादा दिमाग ना लगाना ये मेरा ही नाम है गोपालनाथ मिश्रा चलो तो यहां हम बात करेंगे बेटा इननेट क्या है इननेट इम्यूनिटी क्या है और एक्वायर्ड क्या है जैसे अगर हम इननेट की बात करते हैं तो कोई भी पर्सन बेसिक आज का खाली क्लास है जी सौरभ प्रिया हा हा हाँ सभी को आपको आंसर मिला है जी एन एम गोपाल मिश्रा चलो कोई नहीं इननेट की बात करते हैं अगर हम बात कर ले इम्यूनिटी की तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आप पूरे डस्ट में रख दो उनके अंदर पैदाइशी इम्यून सिस्टम इतनी अच्छी होती है कि उनको कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं होता जिसके अंदर रोगों से लड़ने की कुछ ऐसी क्षमताएं हो जो पैदाइशी हो वह कहलाता है इननेट इम्यूनिटी वह कहलाता है इननेट वह कहलाता है क्या इन्नेट इम्यूनिटी कहलाता है लेकिन दूसरी तरफ अब आपको सर्दी हो गया जुकाम हो गया फीवर हो गया तो आप क्या करते हो बेटा जाते हो बाहर से एक मेडिसिन लेते हो बाहर से मेडिसिन लेते हो कि नहीं यहाँ मेडिसिन की नीड नहीं पड़ती यहाँ मेडिसिन की नीड नहीं पड़ती बट यहाँ नीड पड़ती है जब हम अपने कोई भी बीमारी का इलाज मेडिसिन के द्वारा आई मीन बाहर के किसी इक्विपमेंट से करना चाहे तो वह होता है लेकिन वही चीज़ें जो हमारी शरीर के अंदर ही बनी रहती है वो होती है इन्नेट इन्नेट क्या होता है बेटा इन्नेट ये स्पेसिफिक ये स्पेसिफिक क्या नहीं होता यह स्पेसिफिक नहीं होता इसमें क्या होता है भाई किसी को सर्दी जुकाम फीवर हर चीज़ों के लिए इसकी इम्यूनिटी काम करती रहती है लेकिन यहाँ पे क्या होता है यहां पे क्या होता है एक्वायर्ड में जो होता है इम्यूनिटी इसमें नॉन स्पेसिफिक होता है या किसी पे भी काम कर सकता है या किसी पे भी काम कर सकता है दस मिनट दस मिनट वीडियो के सामने आप खड़े होके तो देखो समझ जाओगे बेटा चैनल चालू कर लो और दस मिनट चालू खड़े हो जाओ लाइव की बात छोड़ो आप खाली अपलोड करके देख लो खुद समझ जाओगे जी तो एक में क्या होता है और हम आज से नहीं दस साल से जुड़े हुए हैं इन चीज़ों से बेटा अच्छा हुआ कि आपका खत्म हो गया आप चले जाओ तो ज्यादा बेटर होगा और नहीं जाओगे तो वैसे भी चैनल से ब्लॉक करके निकाल देंगे जी क्योंकि क्लास ले ले तो रहे नहीं हो मेरा भी डाटा खाया जा रहा है मेरे बच्चों का भी खाए जा रहा हो आप तो आज नए आ रहे हो लेकिन न जाने कितने दिनों से हमारे बच्चे कंटिन्यू हैं तो इनका ना खाओ बेटा नहीं नहीं आप साइलेंट रहो या ना रहो कोई नहीं अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ाई करो अच्छे से अब देखते हैं हैंक्वायड क्या है एक को हमने यही बोला कि जब कोई भी कोई भी पर्सन किसी भी डिजीज से सफर कर रहा होता है अगर उसके ऊपर रोगों से लड़ने की क्षमता है पैदाइशी है तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस अटैक करता है या किसी इन्वायरमेंट में परिवर्तन होता है तो वो देखते हो कि पैदाइशी लक्षण होने के कारण वह रोगों से ऑलरेडी लड़ लेता है लेकिन वह पर्सन जिसमें ऐसी क्षमताएं मान लो नहीं हैं या हैं भी लेकिन फिर भी वो सफ़र करने लगा डिजीज से उसको मेडिसिन की नीड पड़ी तो उसे बोलते हैं एक्वायर्ड यहाँ क्या होता है स्पेसिफिक होता है जैसे इन्नेट क्या है कि मान लो हमको फीवर हुआ तो फीवर पे ये जाके काम कर जाएगा ये इम्यूनिटी और फीवर को रोक सकता है लेकिन ये एकड की अगर हम बात करें एकड में हमको मेडिसिन फीवर का अलग से लेना होता है सल्दी जुकाम जो भी हमको प्रॉब्लम हो रहा है उन सब के लिए अलग अलग से सारी चीजें करनी होती हैं कोई नहीं बाकी लोग कंटिन्यू रहे हैं। अब यहाँ सिर्फ हम सिर्फ बेसिक आपको आज हमने बुलाया बेटा बता रहे हैं इसके बाद कंटिन्यूटी हमारे क्लास में आप रेगुलर रहेंगे सारी चीजें हम नोट्स के साथ देंगे अब यहाँ पे क्या है कि दूसरे पॉइंट पे हमारा यह आता है इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम भाई जब भी हम कोई भी चीज पढ़ते हैं हमने यह देख लिया कि इम्यून क्या है हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता या इम्यून प्रतिरोधक क्षमता इसमें बहुत से ऐसे सिस्टम होंगे जो क्या करेंगे कहीं ना कहीं बैक्टीरिया को वायरस को फंगस को या फॉरेन पार्टिकल को आई मीन एंटीजेन को या फिर हमारे अंदर जो डिजीज कैरी कर रहे होंगे उनको रोकने का काम करेंगे तो उनको रोकने का जो काम कर रहे हैं वो तो हमारे होंगे बैरियर वो होंगे क्या बैरियर लेकिन ये बैरियर की अगर हम बात करें जो हमारे लिए रोकने का काम कर रहा है तो कुछ इस ढंग से अगर हम बताएं यहां पे एक बच्चा खड़ा है ध्यान दीजिए यहां पे एक बच्चा खड़ा है सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो बेटा टॉपिक खुद ब खुद क्लियर होती है हर चीज की ध्यान दो इम्यून सिस्टम क्या कहता है कि यहां एक बच्चा खड़ा है एक बैक्टीरिया यहां से गया बैक्टीरिया यहां से गया यह बैक्टीरिया इस बच्चे के पास जाने के लिए कितने बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा इसको एक दो तो तीन तीन बैरियर क्रॉस करने के बाद यह इस बच्चे को टच कर पाएगा तो कहीं ना कहीं जो हमारी यह इम्यून सिस्टम होती है इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे इम्यूनोलॉजी में आई मीन हमारे इम्यूनिटी में यह करता क्या है जैसे हमारे प्राइमरी बैरियर के रूप में अगर हम बात करें जो हमारी प्राइमरी बैरियर होती है वह क्या होती है प्राइमरी बैरियर हम लोगों की स्कीन है जी अभी उन चीजों को नहीं अभी उन चीजों को नहीं देखना है हम ये देखेंगे कि बेसिक चीजों को वो सारी चीजें अभी बच्चों को देने से कोई वो नहीं है अभी उनको बेसिक खाली यह समझने दो कि यहां प्राइमरी पे हमारे कौन है सेकेंडरी पे कौन है देन टर्सरी पे इसके बाद हम सारी चीजों को लेके आएंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो प्राइमरी में बस हमको फिजिकल यहां केमिकल यहां सेलुलर ऐड ही तो करना है लेकिन हमको रास्ता तो मालूम होना चाहिए एक बार उस रास्ते पे जाए तो दुकान तो खुद ब खुद और कॉलेज का नाम तो खुद ब खुद जान जाएंगे लेकिन पहले उस रास्ते पे चल लें तो यहां जो है बेटा ये हम जिससे पहली बार मुलाकात करेंगे या बैक्टीरिया इसको बोलेंगे प्राइमरी बैरियर प्राइमरी बैरियर यह हो गया जैसे हमारा स्किन होता है अगर बैक्टीरिया आएगा तो इस स्किन पे क्या होते हैं अब इस प्राइमरी में आई मीन स्किन अगर है तो स्किन है अब यहाँ हम दूसरी चीज़ देख रहे हैं कुछ म्यूकस भी है म्यूकस कहाँ पे होंगे जहाँ पे हमारी ओपनिंग होगी बॉडी की वहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप के म्यूकस ने रिलीज होते हैं और जितनी भी हमारे बॉडी की ओपनिंग होती है बेटा वहाँ डिफरेंट म्यूकस जो होंगे उसमें हमेशा लाइसोजैम निकलता है जो निकलता है वह क्या होता है लाइसोजाइम होता है और आप लोग हमेशा जानते हो कि बैक्टीरियल सेलवाल को बैक्टीरियल सेलवाल को तोड़ने के लिए सबसे बड़ा रिस्पांसिबल कौन होता है लाइसोजाइम तो बैक्टीरिया तो वैसे भी नष्ट हो सकता है लेकिन वायरस में ही प्रॉब्लम आती है क्योंकि वह फर्स्ट बैरियर को आसानी से कभी कभी क्रॉस कर जाता है अगर स्किन कहीं से कटे फटे हों अब देखो इसके साथ साथ शरीर के ऊपर स्वेट निकलता है आई मीन पसीने निकलते हैं आंखों से आंस निकलती है है ना मुंह से सलाइवा निकलता है ये कहीं ना कहीं हमारे एक बैरियर की तरह काम करते हैं जो क्या कर रहे हैं कि सारी चीजों को रोकने का एक काम किए कि बाकी जो फॉरेन पार्टिकल जो बाहर से आने वाले कण है बैक्टीरिया वायरसेस इन सबको हमारे बॉडी में एंट्री ना दिया जाए मान लो ये यहां से कहीं से भी एंट्री करके आ जाते हैं ये एंट्री करके हमारे सेकेंड बैरियर पे आ जाते हैं सेकेंड बैरियर क्या करेगा बेटा सेकेंड बैरियर भी इनको रोकने की कोशिश करेगा सेकेंड बैरियर सेम एस काम करेगा केमिकली इनको रोकना चाहेगा जब तक उससे हो सकती है वो रोकेगा नहीं तो तीसरे बैरियर को इन्फॉर्म कर देगा तीसरा अब इनसे लड़ेगा ध्यान देना अभी हम खाली समझा रहे हैं अब यह बैक्टीरिया या, या वायरस क्या किया इन दोनों तीनों बैरियर को क्रॉस करके बॉडी में एंट्री कर गया आई I मीन mean, हमारे ये टिशू हैं ये हमारे टिशू हैं इस टिश्यू के पास तक यह बैक्टीरिया चला आया यह टिश्यू के पास यह बैक्टीरिया चला आया तो अब क्या होगा यह जो बैक्टीरिया है इसने क्या क्या चीजें क्रॉस की यह हमारे सारे बैरियर को क्रॉस किया लेकिन हमारे थर्ड ही बैरियर में सेलुलर भी आता है लेकिन वहां पे यह पहुंच चुका है अब क्या होगा जब यह टिश्यू में आता है तो इस टिश्यू की फॉर्मेशन बहुत सारे सेल से हुई होगी बहुत सारे सेल से हुई होगी अब होता क्या है कि यहाँ अगर हम ध्यान दें यह हमारे बॉडी का एक टिश्यू है जिसमें आ चुका है एक फॉरन पार्टिकल आई मीन बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया ने क्या किया कि यहाँ आने के बाद यहां आने के बाद वह सोचा थोड़ा रेस्ट वेस्ट करें तो यहां के जो सेल थे बाकी वह घबरा गया देख के कि यह कोई तो बाहर से आ गया है अब होता क्या है जब ये इसके ऊपर बढ़ना चाहता है ये जो है बैक्टीरिया इधर बढ़ना चाहता है तो सेल क्या करता है सेल के अंदर एक खासियत होती है कि तुरंत इसके प्रति एक प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देता है क्या करता है एक प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देता है यही जो है यह कहलाता है एंटीबॉडी यह क्या है एंटीबॉडी अब इस सिक्रीशन की वजह से सेल के चारों तरफ एक पतली सी सेल के चारों तरफ एक प्रोटीन की क्या होती है एक लेर्स बन जाती है अब यह बैक्टीरिया के लिए हमने क्या चीज यूज किया था इसके लिए हमने यूज किया था एंटीजेन क्या यूज किया था एंटीजेन इसके आने से सेल ने क्या बना लिया एंटीबॉडी तो यह आप कह सकते हो बेटा कि एंटीजेन रिस्पांसिबल होता है एंटीबॉडी के फॉर्मेशन के लिए यह ध्यान दीजिएगा एंटीजन हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है एंटीबॉडी के फॉर्मेशन के लिए ये नहीं आता तो क्या यह एंटीबॉडी बनाता यह नहीं आता तो यह एंटीबॉडी बनाता एक आप लोग डिजीज़ पढ़े होंगे जरा हमको आप लोग आंसर देंगे कि कभी कभी क्या होता है हमारे बॉडी में कुछ एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कंटिन्यू होने लगता है जिसके कारण एक डिजीज़ हो जाती है जहां एंटीजन न आने पर भी डिजीज़ होने लगता है जी अब यहां ध्यान दीजिए ये सारी चीजें बन गई इसके आने से इसने बनाया लेकिन बनाया क्यों भाई इसको तो इस सेल को बचाना था ना यह एंटीबॉडी क्या करता है इससे बचने के लिए आई I मीन mean, अपने आप को इससे सुरक्षित रखने के लिए इसका फॉर्मेशन किया था अब ये चीजें अगर हम दूसरे वे में लेके जाएं तो यहां पे क्या होता है वो चीजें हम बाद में आप लोगों को सारी चीजें बताएंगे जो हमारे लिंफोसाइट्स में होता है बेटा जब हम बात करते हैं किसकी लिम्फोसाइट्स की जब लिम्फोसाइट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे कुछ सेल्स होते हैं ये सेल्स होते हैं एक होता है टी सेल एक होता है बी सेल बात हमने टी सेल की अगर की तो इसके पास होता है हेल्पर क्या होता है हेल्पर किलर, हेल्पर किलर, सप्रेसर सप्रेसर और होता है मेमोरी अब ज़रा ध्यान देना यहाँ पे हमको ध्यान देने वाली बात क्या है कि जैसे ही हमारे अंदर कोई भी डिजीज अटैक कर रहा है हमारे अंदर कोई डिजीज अटैक कर रहा है तो इेट इम्यूनिटी जो होती यस सर yes, जी जी चलिए जो हमारी इन्नेट इम्यूनिटी होती है वह कभी रोगों को याद नहीं रखती यही कारण होता है इन्नेट इम्यूनिटी के पास मेमोरी नहीं होता जबकि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वह मेमोरी करती उसमें मेमोरी होता है वह रोगों से लड़ने की क्षमता को थोड़ी देर तक क्या करती है रख लेती है अब क्या है यहां पे हम बात करेंगे हेल्पर किलर सप्रेसर और मेमोरी का क्या रोल है ये जो हमारे लिंफोसाइट्स हैं जिसका फॉर्मेशन बोन मैरो में हो रहा है जब हम बायोटेक्नोलॉजी कल पढ़ा रहे थे तो उसमें एक चीज बताया था बता, बेटा जीन थेरेपी जब होता क्या है कि, कि किसी बॉडी में रोगों से लड़ने की क्षमता आई मीन इम्यून सिस्टम एकदम लो हो जाए तो वहां पे एक एक्टिविटी एक देखने को मिलती है कि उसके अंदर कहीं न कहीं कहीं न कहीं इसको क्या किया जाता है बढ़ाने की कोशिश की जाती है और इसको बढ़ाने के लिए बोन मैरो चढ़ाया जाता है किसी दूसरे पर्सन से बोन मैरो चढ़ाया जाए तब तो ऐसा हो सकता है क्योंकि बोन मैरो के अंदर ही आरबीसी डब्ल्यू का फॉर्मेशन हो रहा है डब्ल्यू ही क्या करेगा रोगों से लड़ने की क्षमता जो बढ़ाएगा जहां टी सेल बी सेल होंगे वहां बनेंगे लेकिन अगर इन चीजों को बार बार बोन मैरो से करते रहे तो यह प्रॉब्लम में आ जाएगा इस वजह से क्या होता है जीन थेरेपी यूज में लाई जाती है इसी वजह से क्या होती है जीन थेरेपी यूज में लाई जाती है जिससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो भी बॉडी होता है उसके अंदर डब्ल्यू बी सी का निर्माण होने लगता है डब्ल्यू बी सी का निर्माण होगा और उसके अंदर क्या रोगों से लड़ने की क्षमता खुद ब खुद तैयार हो जाएगी अब इसमें जो रोल है हेल्पर किलर प्रसर इनका क्या है सेम है कि यहाँ जो बैक्टीरिया आए हुए हैं इसके लिए ये चारों सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और इनको क्या करते हैं आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिससे ये किल तो हो जाए नेक्स्ट टाइम अगर यह फिर से आ रहा है तो उसकी मेमोरी यहाँ बनी रहती है और जैसे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हुआ था वह एंटीबॉडी वह नेक्स्ट टाइम खुद ही बना लेते हैं जिससे इसको क्या किया जाए मार दिया जाए तो ये एंटीबॉडी एंटी एंटीजन एंटीबॉडी एंटी रिएक्शन भी कहलाती है और इसमें बहुत से अभी टॉपिक हैं जो आप लोगों को पढ़ाना है जी 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 बेटा ऐसा है कि आज ओनली क्या था इंट्रो इम्यूनोलॉजी का खाली इंट्रो था हमने पहले ही बोला अच्छा नीचे नहीं दिखाई दे रहा कोई नहीं बेटा कोई नहीं इसको बस मेमोरी तक लिखे थे और इससे ज्यादा था भी नहीं हाँ तो आज का क्लास सिर्फ और सिर्फ इंट्रो के लिए हमने रखा था कि ये क्लास कंटिन्यू रहेगा और इसके बारे में जी पूरा जो भी रहेगा सब कुछ क्लास डिटेल करके दिया जाएगा कंटिन्यू सेम टाइम पे जी जी यस नम जी गुरप्रीत यस प्रगति सरिता ए के मोबाइल बायोटेक्नोलॉजी का नोट्स वहाँ लगा है हमने दे दिया है रामजी पटेल काजल पांडे ये टाइम चेंज करने का मतलब बहुत से बच्चों का डिस्टर्ब हो जाएगा बेटा संध्या गुप्ता अनु बहुत से बच्चों का सेम टाइम पड़ जा रहा है तो इस वजह से कॉलेज का टाइम डिस्टर्ब हो जाएगा इस वजह से चेंज नहीं कर पा रहे हैं कोई नहीं बाकी जी तो हमारा मेन यहां पे ये उद्देश्य था कि आप लोगों को इम्यूनोलॉजी की कुछ बेसिक सी चीजें थी बतानी प्लस इसके बाद हमको आज ये दिमाग में था कि बच्चों को खाली एक पैटर्न पे हम बात कर लें क्योंकि आए दिन हम बीमार पड़ रहे हैं पता लगे हम बीच में चले गए या ना रहें क्लास ले ना लें तो आप लोग कहीं डिस्टर्ब ना हो जाओ आप लोग पूरा पेपर दो क्योंकि साल भर आप लोग हमारे चैनल पे पढ़े हो तो कहीं ना कहीं बच्चों का नुकसान ना हो और ये लिखने का तरीका और लास्ट टाइम में आप कैसे पढ़ सकते हो किसी टॉपिक को हमने जैसे बताया कि उसके कुछ कुछ वर्ड आपके माइंड में सेट होने चाहिए जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए बेटा देन अभी जो टॉपिक बचे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे अभी दो तीन यूनिट शायद बच गया है लगभग पेपर तो कंप्लीट ही कर चुके हैं दो तीन यूनिट है तो वो भी हम कंप्लीट करेंगे और पेपर हो सकता है जल्द से हम क्या कर रहे हैं सब एकत्रित कर रहे हैं अगर हो जा रहा है तो पेपर भी हम आप लोगों को क्या करेंगे रिवाइज कराएंगे और पेपर सॉल्व कराने से बहुत फ़ायदा हो जाता है कि एग्जाम में बच्चे लिख लेते हैं आ, जी बहुत ज़्यादा बच्चा हम बीमार हो गए हैं इसके वजह से हम बहुत परेशान हो गए हैं इस और इतना ज़्यादा दवा ले लेके एकदम हालत खराब हो चुका है जी आशुतोष कोई नहीं आप एक साल से पढ़ रहे बच्चा कोई बात नहीं वो तो क्लास में टीचर और बच्चों में होता रहता है थोड़ा सा अपना मस्ती इकोलॉजी का भी टॉपिक अभी हम पढ़ाएंगे इकोलॉजी भी पढ़ाएंगे काजल जी इलाहाबाद के कब से होंगे इसके बारे में तो वहीं अभी अपने अपने कॉलेज में एक बार कंफर्म करिए पंद्रह अप्रैल के बाद इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए वैसे पंद्रह अप्रैल के बाद इन्फॉर्मेशन जी पंद्रह अप्रैल तक तो सभी लोगों का पता चला है कि डेट दे देंगे सब हाँ आप सब सेम टाइम पे कल आई I मीन mean, तीन बजे से होगा इम्यूनोलॉजी का पूरा क्लास क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ प्रगति ये खाली बेसिक था बेटा हम तो खाली आज लेके आए थे कि इसके टॉपिक को बस समझा दे कि इसमें ये चीजें हैं और इसमें अभी हमने कुछ दिया ही नहीं है अभी तो इसको पढ़ाना है बेटा जी संध्या गुरप्रीत अरे वो बॉय है गुरप्रीत को गर्ल्स समझने की गलती ना करके आप लोग मस्ती करो हम जानते हैं वो गुरप्रीत बॉय है चलो कोई बात नहीं गर्ल्स हो या बॉय हो कोई बात नहीं ठीक है चलिए तो आप लोगों की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बोल सकते हो बेटा बाकी जो हमने पढ़ने का सिस्टम आप लोगों को बताया बता दिया कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है इस टाइम में और बहुत सी चीज़ों को आप हो सकता है साइड में कर सकते हो तो कुछ ऐसे हम लोगों के पेपर होते हैं जिसको हमें पढ़ने के लिए क्या होता है अगर हम कोई भी पेपर उठा रहे हैं तो इसमें कुछ चीज़ों को याद रखना अगर हम यूनिट चार तो पढ़ते हैं चार यूनिट है सब में तो हर यूनिट में लगभग लगभग कहीं कहीं क्या होता है दो दो टॉपिक होते हैं तो या ये सिस्टम अभी स, आ, समझ लो थोड़ा सा लगभग दो दो या तीन तीन टॉपिक होते हैं या फिर कहीं कहीं एक एक होता है तो आप अभी के लिए एक बात याद रखो कि पहले हर यूनिट का एक एक टॉपिक तो क्लियर करके रख लो हर यूनिट से एक एक टॉपिक बेटा क्लियर करके रख लो उसके बाद अगर आपके पास हर जैसे आपको दो पेपर पढ़ने हैं दो पेपर पढ़ने हैं तो दोनों पेपर के दोनों पेपर के एक एक यूनिट का हर पार्ट एक ये एक ये एक ये एक ये, पार्ट ए पढ़ के रख लो देन पार्ट जो बी बचता है बेटा जो पार्ट बी बचता है या सी डी भी बच सकता है किसी में आप उसको कुछ दिन बाद टाइम मिलता है तो फिर कर लो जिससे क्या होता है कि आपके मार्क बहुत अच्छे आते हैं क्योंकि आपको एक बात बता दे बेटा जब भी क्वेश्चन पेपर आप उठाओगे तो यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछ दिया यूनिट फर्स्ट से अगर क्वेश्चन पूछा पहला तो इसी का ए जो होता है इसी का आर होता है बी और सेम दूसरे क्वेश्चन में अगर देखोगे तो A का आर बी होगा और सेम इसमें भी A का आर बी होगा और इसमें भी A का आर बी होगा और इस स्थिति में क्या होता है मान लो अगर दस नंबर का ये दस नंबर का ये दस का ये दस का ये यही पूछ सकता है ना तो पहले हम टॉपिक ए अगर क्लियर कर लें तो हमारा मे बी होता तो सेवेंटी फाइव का अगर फिफ्टी नंबर पे अगर पेपर है पचास पे हम बता रहे समझा रहे हैं तो चालीस तो हमने गेन कर लिया ना बेटा बची बात एक दो तीन चार अगर ये हम बाद में पढ़ लेते हैं तो हमारा पांच नंबर क्योंकि आधे हम पढ़ लिए हैं तो पांच नंबर का हो गया आधा अगर हम ये ये छोटा टॉपिक अपना पढ़ लेते हैं तो पांच ये भी हो जाए तो हमारा ओवरऑल फिफ्टी हो सकता है लेकिन सॉलिड पढ़ने के लिए पहले हम ए वाला कंप्लीट कर लें जी आपकी फ्रेंड है अच्छा संध्या आपने बता दिया बहुत अच्छी बात कौन आपकी फ्रेंड है गुरप्रीत आशुतोष आप पढ़ाते हो अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है थोड़ा सा ना लाइक पढ़ाने की कोशिश किया करो समझ जाओगे कुछ चीजों को बायोटेक्नोलॉजी का नोट्स देखो बेटा हमने किसी बच्चे से मंगा के वहां डाल दिया है वहां हमने डाल दिया है ये चीज़ अच्छा आपको समझ में आया जो हमने बताया कि आपको पेपर का जो फंडा है कुछ इस ढंग से होना चाहिए ये पेपर के जो फंडे है कुछ इस ढंग से कर लो देन इसके बाद क्या कर सकते हो कि आप नंबर गेन बहुत तगड़ी कर लोगे ये जो फंडा है इसको अपना के नंबर गेन कर सकते हो ये आप अप्लाई कर सकते हो बी या पी किसी पे भी आप एड कर सकते हो चलिए तो और भी कोई यहाँ पे प्रॉब्लम जो आप लोगों को ऐसा लगता हो कि चाहिए सर बायोटेक्नोलॉजी का नोट्स दे दीजिए बेटा कैसे कह रहे हो हमने बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी वहाँ नोट्स लिख के दिया है बायोटेक्नोलॉजी टेलीग्राम पे कोई नहीं जब मन करे तब आप आइए कोई दिक्कत नहीं है जी टेलीग्राम पे हमने ऐड कर दिया है थैंक यू थैंक यू एवरीबडी संध्या गुप्ता मिला है क्या क्या चेक किए हो नोट्स आपने चेक किया टेलीग्राम पे नहीं मिला है देख लीजिएगा लगभग हमने दिया है चलिए ठीक है तो मिलते हैं फिर सेम टाइम पे बेटा कंप्लीट हाँ, नहीं है एक मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ बच्चा आपने बोला कंप्लीट नहीं है जीसन अंसारी ये हम बात मानते हैं जीसन अंसारी आपने देखो सही बात बताया क्योंकि आप नोट्स लिख रहे थे उस दिन हमसे क्वेश्चन भी पूछे थे और हम वहां कंप्लीट नहीं है उसको हम दे देंगे वो कंप्लीट नहीं है वो हम नोट्स आपका पूरा कर देंगे जी आधे टॉपिक का हमने दिया है जो एप्लीकेशन है उसका नोट्स रह गया वो हम दे देंगे लगभग सभी टॉपिक का गुड बाय अमन गुड बाय गुड बाय बच्चा हाँ बाय बाय एवरीबॉडी जिसको जाना है जिसको कुछ पूछना है नोट से रिलेटेड वो पूछ सकते हैं अभी जी संतोष प्रिया बाय बाय हाँ बाय बच्चा एवरीबॉडी को हमारा बहुत सारा बाय और बायोटेक्नोलॉजी का देखो कोई बच्ची अभी सेंड भी कर दी तुरंत टेलीग्राम पे सेंड भी कर दी कोई बच्ची वो जाके आप लोग देख सकते हैं लास्ट वाली जो एप्लीकेशन का है जिसमें एग्रीकल्चर के रोल और मेडिसिन के रोल इन सब के रोल के बारे में जो हमने लास्ट क्लास दिया था उसका नोट्स है तो वो हम जल्द से जल्द शेयर कर दे रहे हैं ठीक है ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और चैनल को जितना शेयर कर सकते हो बहुत सारा शेयर किया करो चलो ठीक है ओके बाय